गुड इवनिंग सभी को। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा तृतीय अध्याय, सुश्रुत निदान। सुश्रुत निदान 3 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए, सुश्रुत संहिता में आज हम लोग तीसरे अध्याय पे आ गए हैं और इसमें आज हम लोग वेसिकल कैलकुलस यानी पथरी की बीमारी के बारे में, अस्मरी की बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू पीजी पॉइंट ऑफ व्यू, उसी का हम लोग अध्ययन करेंगे। सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि तो उसी सुश्रुत संहिता से यूजी में भी पढ़ा जाता है, पीजी में भी पढ़ा जाता है, पीएचडी में भी पढ़ा जाता है, यहाँ तक कि प्रोफेसर बनने के बाद भी रिसर्च भी उसी सुश्रुत संहिता से ही करते हैं लोग। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, केवल पीजी पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आ रही है कि अस्मरी के कितने प्रकार हैं। तो 4 प्रकार की अस्मरी होती है, बिल्कुल भूलिएगा नहीं है, वात पित्त कफ, और चौथी कौन सी है, शुक्र की है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि क्या सन्निपातक अस्मरी होती है, तो नहीं होती। सुश्रुत के अनुसार सन्निपातिज जो अस्मरी हुए नहीं है, केवल 4 प्रकार की है, वात पित्त कफ और श्लेष्मा। दूसरी पॉइंट क्या बताया जा रहा है, डल्हन के अनुसार उपादान कारक, उपादान कारण क्या है। तो श्लेष्मा है उपादान कारण। श्लेष्मा क्या है, उपादान कारण है किसका, अस्मरी। ये वाला क्वेश्चन यहां से आता है, डल्हन ने अस्मरी का उपादान कारण क्या बोला है, तो श्लेष्मा ही कफ। आगे बढ़ते हैं, हम लोग निदान के बारे में बात करते हैं। तो निदान के बारे में सिर्फ पढ़ना ही है, कोई इसमें विशेष बात नहीं है। जो लोग संशोधन नहीं कराते हैं, तत्र असंशोधनशीलस्य अपथ्य कारण। जो लोग संशोधन तो नहीं करते हैं, उल्टा अपथ्य सेवन करते रहते हैं, संशोधन नहीं करते, अपथ्य का सेवन करते रहते हैं, उनमें जो प्रकोपित हुआ श्लेष्मा है, वो मूत्र में जाकर, बस्ती में जाकर मूत्र के साथ मिलकर क्या करता है, उत्पन्न करता है अस्मरी, उत्पन्न करता है। ठीक है, हम लोग अस्मरी पढ़ रहे हैं। जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको बता दूं, सुश्रुत निदान स्थान तीसरा अध्याय ये है, सुश्रुत निदान स्थान तीसरा, अस्मरी निदान। तो निदान के विषय में ये सारी चीजें तो हो गई, इसमें कोई रटने वाली चीज, याद करने वाली चीज नहीं है। आप मुझे बताइए कि डल्हन के अनुसार उपादान कारक क्या है, अस्मरी का उपादान कारण क्या है, श्लेष्मा। श्लेष्मा ही उपादान कारण है। निदान के बारे में हम लोग देख लिए, जो संशोधन नहीं कराते, अपथ्य सेवन करते हैं, उन्हें ये होता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं पूर्व रूप के बारे में। तो पूर्व रूप में 2 पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है पीजी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वो है मूत्रकृच और वस्त्र गंधित्वम। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि वस्त्र गंधित्वम लक्षण है, तो लक्षण नहीं है, ये पूर्व रूप है। ठीक है, मूत्रकृच और वस्त्र गंधित्वम, बकरे के गंध के समान मूत्र का आना, ये लक्षण नहीं है, ये पूर्व रूप है अस्मरी का। ठीक है, पूर्व रूप मूत्रकृच यानी मूत्र रुक रुक के आएगा, ऐसा पेशेंट बताएगा। आगे देखिए, बात करेंगे हम लोग अस्मरी के उत्पन्न हो जाने पर, यानी लक्षणों के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर साइन एंड सिम्टम ऑफ अस्मरी, तो इसमें कौन कौन सी बात हो सकती है। ये तो बात होगी कि मूत्र धारा संघ, मूत्र की धारा में रुकावटें आएंगी, मूत्र में खून भी आ सकता है, सर उधर मूत्र, और मूत्र के विकार भी उत्पन्न होंगे। लेकिन मेन क्या है, इसको हाइलाइटर से आपको हाइलाइट कर लेना चाहिए, गोमेद प्रकाश अविलंब ससिकतम। ठीक है, इसको आप लोगों को हाईलाइट कर लेना चाहिए कि गोमेद प्रकाश अत्य अविलंब,
यानी गोमेद मणि के समान स्वच्छ मूत्र का आना, मूत्र के साथ सिकता यानी ग्रेवल का आना, बालू के कणों का आना, ये क्या है? तो ये अश्मरी का क्या है, लक्षण है। ठीक है, अभी आप लोगों से क्वेश्चन आ जाएगा कि गोमेद प्रकाशम अत्यवलम पूर्व रूप है, लक्षण है, इस तरीके के सवाल भी आते हैं। तो याद रखिएगा, बस्त गंधित्वम क्या है, ये बस्त गंधित्वम पूर्व रूप था। ये दोनों पॉइंट बिल्कुल आप लोग को भूलना नहीं है, बस्त गंधित्वम पूर्व रूप है और गोमेद। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कफजस्मरी, पित्तजस्मरी और वातजस्मरी के कुछ लक्षण जो कि क्वेश्चन में आते हैं उन्हें बात की जाएगी। तो लक्षणों में आप स्निग्धा को पढ़े रहिए, स्निग्ध होता है थोड़ा, लेकिन मेन पॉइंट क्या है, उपटांड प्रतिकाशा मधुप पुष्प वर्णा। मधुप किसको कहा जाता है, कोई बता सकता है? इसको हाईलाइट कर लीजिए, कुकुटांड प्रतिकाशा मधुप पुष्प वर्णा जो है ये कफजस्मरी का लक्षण है। ठीक है, मधुप किसको बोलते हैं, किस पौधे को मधुप बोलते हैं? महुए को मधुप बोलते हैं। ठीक है, महुए के फूल के समान कुकुटांड, इसका जो है कलर होगा महुए के फूल के समान, और कुकुटांड प्रतिकाशा, कुकुटांड मतलब अंडे होते हैं, कुकुट के अंडे यानी मुर्गी के अंडे। ठीक है, ये बिल्कुल भूलना नहीं है, ये कफजस्मरी का लक्षण है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं पित्तजस्मरी के बारे में। तो पित्तजस्मरी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात है वो आप लोगों को याद रखना चाहिए। सबसे ये पीता और भाषता ये सब तो है ही, साथ में आप लोगों को हाईलाइट क्या करना है, भल्लातक अस्थि प्रतिमा मधु पुष्प और मधु वर्णा, भल्लातक की अस्थि के समान होगा और मधु यानी शहद के रंग के तरह होगा। शहद का रंग कैसा होता है, थोड़ा सा लालिमा लिया हुआ ब्राउनिश होता है, और ये जो मधु यानी महुए का फूल होता है वो पीले कलर का होता है, मतलब आप कह सकते हैं लाइट येलो, लाइटर शेड ऑफ येलो होता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं वातज अस्मरी के बारे में। वातज अस्मरी में इम्पोर्टेंट बात क्या आएगी, दो बातें इंपॉर्टेंट है वातज अस्मरी में, पिड्यमानो दंतान खादति नाभि पीड़यन्ति मेढ्रम। ठीक है, यानी इसमें इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो अपने दांत को ही कटकटाने लगता है, खाने लगता है और अपने नाभि को पीड़ा करता है, मेढ्र को जो भी मेढ्र को मसलता है यानी शिश्न को मसलता है, नाभि को दबाता है, क्योंकि पीड़ा बहुत होती है वातज अस्मरी के केस। हाईलाइट किसको रखना है, ऑलवेज कदम्ब पुष्प कंटक चिता भवती। ठीक है, कदम्ब पुष्प के समान ये होता है, ये वाला अस्मरी कदम्ब पुष्प के समान होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो तीन प्रकार की अस्मरियां थी ये बच्चों में प्रायः होती है, ये किन में होती है, प्रायः बच्चों में होती है, और मेन कारण है दिन में शयन करना, शमशन, शमशन अध्यसन, इन सब का जो पालन करते हैं यानी दिन में बच्चा कोई सो रहा है तो उसको ये वात पित्त कफ वाली अस्मरी होगी, छोटा बच्चा रहेगा तो, क्योंकि उसमें वस्ती के मांस का उपचय अधिक नहीं होता, ये सारी चीजें लिखी गई हैं। आगे हम लोग बात कर रहे हैं शुक्र अस्मरी के बारे में।
तो शुक्र अजमेरी के बारे में पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ पर की जाएगी। प्लेस क्या होगा इसका? क्वेश्चन आता है शुक्र अजमेरी का कहाँ बनती है, तो शिश्न और वृषण के बीच में। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर की जा रही है मेट्र वृषणयो अंतरे, ठीक है, मेट्र वृषणयो अंतरे, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसी को आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। शुक्र अजमेरी आपको कहाँ बनती हुई दिखेगी? बीच में। कुछ लोग इसके लक्षण कारणों के बारे में भी बात करते हैं और कुछ लोग किस्म को होता है, तो ये बड़े बड़े पुरुषों में ये देखने को होता है, बच्चों में नहीं होगा क्योंकि बच्चों में स्पर्म रहेंगे ही नहीं तो शुक्र अजमेरी कैसे बनेगा, तो ये बड़ों में देखने को मिलता है। जो लोग बहुत अधिक में रोकते हैं, वेग अवरोध करते हैं, शुक्र वेग अवरोध के कारण बनता है ये जो है, ठीक है, शुक्र वेग के अवरोध से ये बनता है। कहाँ बनता है आपसे पूछा जाए तो मेड वृषणयो अंतरे। ठीक है, प्रोसेस आप लोग समझ सकते हैं कि उनके बीच में आ जाएगा तो मृत पिच वगैरह तो उत्पन्न होगा ही होगा, इसको आप लोग को याद रखना। आगे देखिए, इसको इसमें कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। अब आ जाइए कि वस्ती का वर्णन यानी यूरिनरी ब्लैडर का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने इसी अध्याय में किया है, यानी सुश्रुत निदान अध्याय तीसरे में वस्ती का वर्णन किया। इसमें तीन बातें ही इंपॉर्टेंट हैं, उनको हाईलाइट कर लीजिएगा। एक द्वारम तनुत्व को मध्य वस्तिर अधोमुखा, यानी वस्ती जो है बहुत ही पतले त्वक वाली होती है, एक द्वार होता है और नीचे की ओर उसका मुख जो है नीचे की ओर होता है। एक द्वार तनुत्व को मध्य वस्त्र अधोमुख, अधोमुख यानी नीचे की ओर होती है। दूसरी पॉइंट क्या है, अलावो यूरोपेण सिरा स्नायु परिग्रह, अलावो यानी लौकी के समान होती है और सिरा स्नायु से व्याप्त होती है, यानी उसके परिग्रह में सिरा स्नायु व्याप्त होते हैं। इसके बाद तीसरी लाइन में आ जाइए, मूत्राशयो मलाधारा प्राणायतनम उत्तमम, मूत्र का आशय होती है मूत्राशय और मलाधार प्राणायतनम उत्तमम, प्राणायतन में उत्तम है। आचार्य सुश्रुत ने प्राणायतन उत्तमम ओज को भी कहा है और वस्ती को भी कहा है, तो यहाँ पर वस्ती के बारे में इतनी बातें हो जा रही हैं। ठीक है, ये तीन जो आपको टिक लगाए गए यही पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, उसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात करो तो मलाधार प्राणायतन उत्तमम। आगे बढ़िए, मूत्र निर्माण प्रक्रिया के बारे में आचार्य सुश्रुत ने कहां पर बात की है, तो सुश्रुत निदान स्थान तीन में बात की है मूत्र निर्माण प्रक्रिया के बारे में, जो कि आप लोग को ये श्लोक दिख रहा है। अब इसमें भी क्या इम्पोर्टेंट है पीजी के लिए वो बात की जाएगी। पक्वाशय गतास्त्र नाड्या, तो इसमें आप लोगों को हिंदी वाले में ज्यादा टिक लगाने की आवश्यकता है कि मूत्र निर्माण होता कहाँ है, आयुर्वेद के अनुसार मूत्र निर्माण कहाँ होता है। तो मॉडर्न के अनुसार पहले आप जानिए कि कहाँ मूत्र निर्माण होता है, तो किडनीज में होती है, लेकिन आयुर्वेद में अमाशय पक्वाशय के भीतर, अमाशय और पक्वाशय में होता है। ठीक है, आयुर्वेद के अनुसार मूत्र निर्माण प्रक्रिया कहाँ होती है बताइए आप लोग? अमाशय और पक्वाशय में होती है। ठीक है, इन दोनों में ही होती है। और यहाँ पर ये बात भी टिक करना है आपको, पक्वाशय में से जो मूत्रवाहक नाड़ियाँ, तो ये जो है यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि आमाशय एवं पक्वाशय के भीतर, ठीक है, ये मूत्र निर्माण होता कहाँ है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसका रेफरेंस पूछा जाता है कहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है।
इसमें बहुत सी पॉइंट भी है कि तर्पयंती सदा मूत्रम सारथि सागरम यथा, जैसे कि जिस प्रकार नदियां जो है सागर को आलवेज तर्पत करती रहती हैं, उसी प्रकार ये जो नाड़ियां हैं वो आलवेज मूत्र को उसमें मूत्राशय में डालती रहती है। जागृत हो या सोए हुए हो, मूत्र निर्माण होता रहता है। ठीक है, यहाँ तक कि लोग जब अनकॉन्शियस हो जाते हैं तो भी मूत्र निर्माण होता रहता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर बातें लिखी है, जागृत स्वप्तश्च। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब पढ़ने के लिए ठीक लगता है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ क्या आता है, कहाँ पर होता है, अमासे बकवासे में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये जो है राजस्थान पीजी का क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ से ये वाला कोटेशन आया हुआ था यहाँ से इतने तक। अपसु स्वच्छस्वपि तथा निषिक्तासु नवे घटे। ठीक है, ये किसके लिए कहा गया है? तो ये जो है उपस्नेह के लिए कहा गया है, उपस्नेह को ऊपर बताया गया है। अब यहाँ पर एक देखिए, इस वाले श्लोक में किससे किससे उत्पन्न होती है अश्मरिया, मतलब अश्मरी के होने में क्या कारण है, तो त्रिदोष प्लस उपस्नेह। यहाँ पर त्रिदोष लिखा हुआ देखिए, वात पित्त कफ, यानी तीन दोष हो गए और उपस्नेह से मिलकर अश्मरी बनती है, ऐसा लिखा हुआ है। तो वात पित्त कफ को तो आप लोग जानते ही होंगे, उपस्नेह क्या है? उपस्नेह के लिए लिखा हुआ है कि जिस प्रकार आप नए घड़े को लेते हैं, उसमें पानी डालते रहते हैं, तो पानी के नीचे कुछ दिनों के बाद तलछट जमा होने लगती है, उसी को बोलते हैं उपस्नेह। तो ये जो क्वेश्चन है राजस्थान पीजी में क्वेश्चन आया हुआ है, और अगर आपसे पूछा जाए कि मूत्र निर्माण होता किससे है, तो वात पित्त कफ और उपस्नेह से होता है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों? आगे बढ़िए, एक और कोटेशन दिया हुआ है, सहंत्यो अल्पो यथा दिव्य मारुतम। ये वाला भी कोटेशन पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कि जिस प्रकार वायु और बिजली जो होती है वो पानी को बर्फ में कन्वर्ट कर देती है, उसी प्रकार वात और पित्त जो हमारे शरीर में जल जलयांश हैं या फिर कफांश हैं, कफ को सॉलिडिफाई कर देते हैं। ठीक है, वात और पित्त, अग्नि और वायु जो है बना देते हैं। ठीक है, तो ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद इस पे क्वेश्चंस अब हम लोग लगाएंगे, आज हम लोग एक ही अध्याय का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन लगाइए, सुश्रुत अश्मरी के प्रकार कितने होते हैं? बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, सुश्रुता अनुसार अश्मरी के प्रकार क्लास कितने? में हाँ, चार। आगे बताइए, सुश्रुता अनुसार अश्मरी का प्रकार नहीं है, इन टिक्स पर ध्यान नहीं देना है, ये टिक्स में भी गलत भी हो सकते हैं, ये जो टिक्स लगे हुए हैं। आप बताइए कौन से नहीं है, सनिपातिक। सुनिपातिक आगे, प्राय अस्मरी का अधिष्ठान भूत दोष होता है, प्राय अगर पूछा जाए तो अधिष्ठान भूत दोष कौन होता है? बताइए आप लोग, श्लेष्मा अधिष्ठान भूत दोष होता है। ठीक है, आगे देखिए, अस्मरी के पूर्व रूपों में प्रायः मूत्र में कौन सी गंध आती है? गुणक गंध, लोहित गंध, बस बस्त गंध। अस्मरी की स्थिति में किस वर्ण के मूत्र की प्रवृत्ति होती है, यानी अस्मरी की स्थिति में? गोमेदक वर्णी। श्लेष्म अस्मरी के गुण धर्मों के संबंध में असत्य कथन है, तो श्लेष्म जो अस्मरी थी वो स्निग्ध थी, कुकुटांड प्रतिकास भी थी और मधुपुष्प वर्णी भी थी।
ठीक है। और यहाँ पर देखिए मधुप दे दिया है, मधुप और मधुप में कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं बता दूँ, ये जो मधुक है ये महुए को बोलते हैं, और ये जो है ये यष्टि मधु को बोलते हैं, यष्टि मधु को, ठीक है। तो इसका तो जिक्र नहीं है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, असत्य। भल्लातक अस्थि एवं मधु मधुवर्णी, ये ध है, अस्मरी होती है क्या? भल्लातक अस्थि पैतिक, पत्तिक कदम पुष्प कंटक काचित वात, किस अस्मरी से पीड़ित रोगी दांतों से अपने होठों को काटता है, बताइए। वातिक अस्मरी, वातिक में ही ज्यादा पेन होता है, इसलिए सब सिम्टम देखने को मिलते हैं। अस्मरी प्रायः किस अवस्था में अधिक होता है? इस क्वेश्चन में यही करना है कि बच्चों में वातित्व वाला ज्यादा होता है, तो ओवरऑल बच्चों में ही ज्यादा देखने को मिलता है, बाल्यावस्था में ही, क्योंकि उस समय हमारे यूरिनरी ब्लैडर उतने अच्छे से बने नहीं होते हैं, ठीक है। बाल्यावस्था में ही अस्मरी प्रायः अधिक देखने को मिलती है। शुक्र अस्मरी जो होती है वो बड़ों में ज्यादा देखने को मिलती है। बालकों में होने वाली अस्मरी जो है चिकित्सा दृष्टि से सुख साध्य होती है। इसमें एक बात और भी इम्पोर्टेंट है, मैं नोट करवाऊंगा यहाँ पर बालकों वाला। ये अस्मरियों को यंत्र द्वारा पकड़कर जो बाहर निकाला जाता है, इसका जो संस्कृत वाला कोटेशन है उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अस्मरी को यंत्र द्वारा, इसमें शिकायत नहीं हो पाया है, कैप्चर नहीं हो पाया। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ये बताइए, ये तो सुख साध्य, शुक्र अस्मरी का कारण होता है, शुक्र अस्मरी का कारण होता है, ये सभी हैं इसके कारण, शुक्र वेग अवरोध अति मैथुन लंबे समय तक मैथुन से निवृत्ति, तीनों ही कारण है, ठीक है। बहुत अधिक ये बिल्कुल नहीं, और शुक्र वेग अवरोध। शुक्र अस्मरी की उत्पत्ति प्रायः किस स्थान पर होती है? वृषण व मेढ्र के मध्य भाग में होती, ठीक है, वृषण और मेढ्र के बीच में कहीं पर बन जाएगी। वस्ती का आकार होता है अलाबुवत, अलाबुवत आकृति होती है, पढ़ाया गया है आप लोगों को, और उसका मुख जो है नीचे की ओर रहता है, तनुत्वक होती है, और प्राणायतन उत्तमम भी इसी के लिए कहा गया है, वस्ती के लिए। सुश्रुत ने मलाधार मलाधार एवं प्राणायतनम उत्तम किसे संज्ञा दी है? वस्ती को। सुश्रुत अनुसार मूत्र निर्माण कहाँ होता है, बताइए। वृक्कों में मत कर दीजिएगा कभी भी। सुश्रुत अनुसार मूत्र निर्माण कहाँ होता है? आमाशय और पक्वाशय, अमाशय और पक्वाशय दोनों में ही मूत्र निर्माण होता है। आगे देखते हैं, सुश्रुत संहिता में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का किस मतलब कहां पर वर्णन है? तो सुश्रुत निदान 3 में अश्मरी की उत्पत्ति में प्रमुख कारण है, बताइए। निर्दोषवो उपस्नेह, बिल्कुल सही जवाब, त्रिदोष व उपस्नेह। तो यहाँ तक हमारा ये जो है अध्याय समाप्त होता है। कल हम लोग 2 चैप्टर्स लेके भगंदर और उसके आगे जितने भी हैं उनको कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है।
ठीक है फिर, थैंक यू आज के लिए।